कानपुर के हर मिलाप मिशन स्कूल की खेलकूद प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स ने जमकर अपना दमखम दिखाया। किदवाई नगर स्थित रतनलाल शर्मा स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने किया। ज्वाइंट सीपी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलकूद के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की सलाह दी। प्रतियोगिता के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए, जिसे देखकर आए हुए पेरेंट्स उत्साहित नजर आए। यूकेजी से लेकर इंटर तक के बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों ने एक दूसरे को जमकर टक्कर दी। इस दौरान बच्चों में खेल भावना की बेहतरीन उदाहरण नजर आया। विजय छात्रों को हर मिलाप मिशन स्कूल के चेयरमैन अमरजीत भाटिया, सचिव डॉक्टर एस के सराफ ने मेडल और ट्रॉफी प्रदान करते हुए उत्साहित किया। स्कूल की प्रिंसिपल मीनू गोसाई ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल खूंद के लिए भी वो लोग काफी प्रेरित करते रहते हैं, जिससे कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहें। बताया गया कि विजयी बच्चों को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भी हिस्सा दिलाया जाएगा। स्कूल का पीटी डिस्प्ले और स्पोर्ट्स आयोजित किए थे रतनलाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर कानपुर में। हमारे मुख्य अतिथि थे श्री आनंद प्रकाश तिवारी जी, जो आईपीएस हैं और जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड कमिश्नर एट कानपुर में। वो आए, उन्होंने दीप प्रज्वलित करके प्रोग्राम का शुभारम्भ किया और बहुत हमारे प्रोग्राम को उन्होंने सराहा, बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया आगे बढ़ने के लिए और बहुत ही खुश हुए वो हमारे बच्चों का कार्यक्रम देख के। हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे, ओपनिंग डांस था, मार्च पास थी, चार हाउस हैं स्कूल के जिसमें ड्रिल्स बच्चों ने अलग अलग तरह की ड्रिल्स प्रेजेंट करी और फिर कुछ फनी रेसेस भी करवाई हमने बच्चों से। एक हमारी बच्ची आर्चरी सीख रही है, उसका भी हमने प्रेजेंटेशन किया पेरेंट्स के सामने।